भागवत पुराण तृतीय स्कंद सातवां अध्याय विदुर जी के प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किसी प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब यहाँ स्टार मार्क्स में बताया गया है कि सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है, यानी सेवा से आपके सभी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। सेवा यानी किसी भी तरह का आप सेवा कर सकते हैं, सर्विस, उससे सभी धर्मों की सिद्धि हो जाती है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषों के धर्म के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म सौ पुरुषार्थ के लिए है, अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ ये बताया गया है कि सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है, मतलब किसी भी तरह का सेवा आप कर सकते हैं, किसी का मदद कर देना भी एक सेवा है। कुछ सेवा भी हर तरह का हो सकता है, भोजन बनाना एक सेवा है, भोजन खिलाना एक सेवा है, उसी प्रकार और भी काफ़ी तरह के सेवा के कैटेगरी ऑलरेडी मौजूद हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशनल सेवास तो है ही, होटल का सेवा, विमान सेवा, नौकायान सेवा,
अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही। जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, यानी हर एक ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है। अब क्षत्रिय जितने हैं वो लोग को जितना भोगना है भोगो भाई संसार। वैश्य का धर्म अर्थ के लिए, वैश्य लोगों को जितना कमाई करना है, करोड़पति अरबपति बनना है, वो आपका धर्म है। और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, जब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन, श्री मैत्रेय जी भगवान का स्मरण करते मुस्कुराते हुए कहा, हे मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है वह दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यह तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मित्र क्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जड़ जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल है ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं,
या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञान ग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के सियापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि यह अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बलों से और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार का है, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्रह्मनादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाते और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी उन मनुष्यों के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोकों के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बतलाइए कि तिर्यक मनुष्य देवता सरीसृप सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद
पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र विविध पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता नीच वर्ण के पुरुषों से उच्च वर्ण की नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का श्राद्ध की विधि का पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेयी जी धर्म का मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं वह वर्णन कीजिए। द्विजवर तीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महदादी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनसे लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किया है उनका उत्तर मुझे दीजिए। मैत्रेयी जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे।
अब यहाँ सबसे बड़ा पुण्य ये बताया गया है कि भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, यानि जन्म मृत्यु यानि आवागमन, आवागमन से सदा के लिए छुट्टी मुक्ति, वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। अब अगला अध्याय है 8वां अध्याय, और यहाँ पे आपका 7वां अध्याय विदुर जी के प्रश्न समाप्त होते हैं। तृतीय स्कंद भागवत पुराण।